इसके बारे में बता रहा हूँ। इसके देखो आप सभी को नमस्कार। ये हमारा क्या है, टाइप ऑफ एलएनटी सिस्टम 225 साइज। इसका साइज क्या है, 2250 × 1525 × 4200, ये बोल सकते हो। ठीक है, ये इसको बोलेंगे हम लोग हैवी ड्यूटी टावर। क्या बोलते हैं, हैवी ड्यूटी टावर। ये रेक्टेंगुलर में है, किसमें है, रेक्टेंगुलर में, मतलब आयताकार टावर है। क्या ये आयताकार टावर है, ठीक है। इस टावर एचडी टावर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, हैवी ड्यूटी मतलब हैवी काम के लिए। किसके लिए होता है, हैवी काम के लिए, जैसे बीम छत और अपना बीम छत स्लैब, इसके लिए हम सेटरिंग कार के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जैसे हमारा ब्रिज बन रहा है आपका, कहीं पर बीम बन रहा है, कहीं पर स्लैब हो रहा है, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, आयताकार टावर है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर टावर है, ठीक है। इसमें क्या है, इसका कंपोनेंट्स का नाम आपको पता होना चाहिए, नोट्स कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जमीन होता है। क्या होता है, जमीन। जमीन को हम लोग चेक करेंगे प्रॉपर, चेक करने के बाद इसको समतल करेंगे, इसका लेवल देखेंगे, लेवल अच्छा होना चाहिए। लेवल ले करके जमीन को चेक करके हमारा जो फुट प्लेट होता है, क्या होता है, फुट प्लेट, उसको रखेंगे। ये हमारे पास फुट प्लेट नहीं है तो हम सोल प्लेट रख सकते हैं। क्या रखेंगे, सोल प्लेट या लकड़ी गुटका या सीमेंट का चीप रख सकते हैं, ठीक है। हम उसको क्यों रखते हैं फुल प्लेट या सोल प्लेट को, क्योंकि मिट्टी धंसता है। क्या होता है, खाली पाइप लगाने से क्या, पाइप धंस सकता है, ठीक है। इसलिए वो रहेगा तो जो उसका कैपेसिटी लोड है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और वो फैल जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले फुट प्लेट होता है, फुट प्लेट का साइज क्या होता है, 4x8 मतलब 150 × 150 कितने का होता है, 150 × 150 का फुट प्लेट होता है, 25 mm का, 15 mm का, 12 mm का, अलग अलग साइज का आता है, ठीक है। ये 40 dia का है, ये मतलब आपका स्प्रिंग लॉक पिन लगा हुआ है, ये आपका फुट प्लेट हो गया, स्प्रिंग लॉक पिन हो गया, टावर स्पिंडल लीवर नट बोल सकते हो, टावर स्पिंडल जैक लीवर नट बोल सकते हो, ठीक है। इसलिए इसको जैक बोलते हैं। ये आपका एचडी टावर, टावर स्पिंडल, स्पिंडल मतलब ये हो गया, लीवर मतलब ये हो गया, और चूड़ी हो गया जैक, इसलिए इसको बोलते हैं टावर स्पिंडल जैक बोल सकते हैं, ठीक है। इसको अप डाउन कर सकते हैं। इसका ऊंचाई कितना होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 750 होता है। कितना होता है, 750 होता है। हम लोग टावर में कितना निकाल सकते हैं, बेसिक हम 300 तक निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब 250 से 350 तक उठा सकते हैं टावर को, ठीक है। ज़्यादा निकालेंगे तो क्या है, टावर गिरने का चांस रहता है, ठीक है। बराबर बैलेंस नहीं बन पाएगा, लोड पड़ेगा तो टावर पलटने का चांस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, बेसिक फ्रेम हो गया 1800, कितने का होता है, 1800। ये आपका पहला वेव बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, पहला वेव हो गया, ठीक है। दूसरा वेव हो गया, तीसरा वेव हो गया, ठीक है। मतलब तीन लेयर में बना हुआ है, मतलब स्कैप होल्डिंग जो ये अपना एचडी टावर जो होता है उसको इरेक्शन एंड डिसमेंटल, मतलब खोलने और लगाने की विधि आपको प्रॉपर आना चाहिए। यदि खोलने और लगाने की विधि आपको नहीं आएगा, इसके कंपोनेंट्स का नाम पता नहीं होगा, एच ब्रेसिंग डी ब्रेसिंग के बारे में पता नहीं होगा, बेसिक फ्रेम के बारे में पता नहीं होगा, तो आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, आपका बेसिक फ्रेम 1800 का, 1200 का, 900 का, तीन बेसिक फ्रेम लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है, तीन बेसिक फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है। कितना लगा है, 1800, 1200, 900 तीन लगा हुआ है, ठीक है। ये हम तीन क्यों लगाए हैं, क्योंकि हमारा कहीं पर साइज क्या है, कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। 1200 कभी लगा सकते हैं, 1800 कभी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या है, अभी तीन हम आपको सिखाने के लिए तीन चीज़ लगाए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका एच ब्रेसिंग हो गया 225, कितना होता है,
और डायगनल बेसिंग 2281 के लगा हुआ है, ठीक है, 2381 का ध्यान रखना, ठीक है। तो अलग अलग साइज का हम बना सकते हैं, कितना बनाएंगे, अलग अलग साइज का, ये इसका फोल्डिंग भाड़ा, ये मतलब HD टावर को हम लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे, HD टावर को बना सकते हैं, खोल सकते हैं, मतलब असेंबल डिसमेंटल कर सकते हैं, इसका पूरा कंपोनेंट्स का नाम पता होना चाहिए। ये LNT सिस्टम HD टावर है, क्या है, HD टावर है, मतलब हैवी ड्यूटी टावर है, इसके बारे में पता सभी को होना चाहिए। इसमें क्या है, सुरक्षा इक्विपमेंट क्या क्या लगेगा, इसको खोलने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, इसको लगाने के लिए क्या चाहिए आपको, ठीक है, इसको मतलब सेफ्टी चाहिए आपको, सबसे पहले क्या चाहिए, सेफ्टी, सेफ्टी में क्या पहनोगे, सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए आपको, सेफ्टी शू चाहिए आपको, सेफ्टी हैंड ग्लव्स चाहिए, सेफ्टी रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनना है, सेफ्टी हार्डनेस डबल बॉडी फुल बॉडी हार्डनेस पहनना है आपको, ठीक है। उसके बाद गोगल लगा सकते हो धूप करता है तो, उसके बाद आपका ऊंचाई पे काम करोगे तो ग्रीन नेट होता है, ग्रीन नेट बोल सकते हो उसको, या सेफ्टी नेट बोल सकते हो, वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका कॉशन टेप लगाना पड़ेगा, जो कॉशन टेप मतलब लाल फीता बोलते हैं उसको, घेराबंदी करने के लिए होता है वो, क्योंकि थर्ड पार्टी कोई बाहर का आदमी ना आए, ठीक है, कोई खतरा ना हो। और आपका हैंड टूल में क्या चाहिए आपको, हैंड टूल में मेजरिंग टेप चाहिए, चाक चाहिए, लाइन डोरी चाहिए, और पेंसिल चाहिए, स्केल चाहिए आपको, ट्राई स्क्वायर चाहिए, उसके बाद कुल हैम्बर, बालपिन हैम्बर, स्पीड लेवल चाहिए, वाटर लेवल पाइप चाहिए, ठीक है, और आपका टूल बॉक्स चाहिए आपको, उसके बाद आपका रस्सी चाहिए आपको, रोप होता है, ठीक है, और गिर्री चाहिए, चैन पुली गिर्री होता है वो चाहिए आपको, ठीक है, सामान को ऊपर से नीचे ले जाने के लिए, ठीक है, ये सब आप देख सकते हो ना, बना सकते हो, ठीक है, ओके।